हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी लोग? हम भी बहुत ठीक हैं। और आज है मेरे भाई का बर्थडे, सो मैंने सोचा यार अपने व्लॉग की शुरुआत कर लेती हूँ। अभी बज रहे हैं शाम के 4, सुबह से टाइम नहीं था व्लॉग बनाने का, तो मैंने सोचा है शाम को ही बनाऊंगी। भाई मेरा कल शाम चला गया था अपने फ्रेंड के संग पार्टी करने के लिए, तो कल रात उन्होंने अपनी पार्टी करी, अभी तक वो घर नहीं आया है। 4 बज चुके हैं, हम उसका वेट ही कर रहे हैं। सो अभी वो रास्ते में है, आने ही वाला है, तो मैंने सोचा यार थोड़ी देर में आराम कर लेती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ सुबह से घर के काम, कभी ये कभी वो। अभी हार्दिक भी ट्यूशन गया है और मेरी सिस्टर आई है, तो वो भी दूसरे रूम में अपने बेटे के संग सोई है, तो मैंने सोचा 1 घंटा मैं भी सो जाती हूँ और अपने व्लॉग की शुरुआत कर लेती हूँ, क्योंकि फिर शाम को पता नहीं कैसा होगा माहौल, क्या होगा। तो बस वही है, शाम को आज हम घर में ही करने वाले हैं पार्टी। अब क्या करते हैं, कैसा करते हैं वो देखते हैं। तो भाई हमने सिर्फ केक का ऑर्डर दिया है, अभी हमने सोचा 2-4 बलून वगैरह फुला लेंगे, क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चों को अच्छा लगता है। तो अभी मैं थोड़ी देर सोती हूँ, क्योंकि मुझे आ रही है बहुत तेज़ नींद। सो मिलती हूँ आपसे 1 घंटे बाद। सो फ्रेंड्स, अभी बज गए शाम के 6 और मैं सोकर उठ गई हूँ। अब मैं बनाऊंगी चाय और मेरा भाई अभी तक नहीं आया है। 4 बजे उसने बोला था कि भाई मैं निकल गया हूँ, पहुँचने वाला हूँ, तो उसे 5 बजे तक पहुँच जाना चाहिए, बट अभी तक वो नहीं पहुँचा है घर। और पता नहीं क्या उसका हमेशा का यही रहता है, बोलता कुछ है करता कुछ है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, जब तक हम चाय वाय पी लेते हैं, सोनी से बोलती हूँ थोड़ा सा वो बलून वगैरह लगा देगी, अनुज केक ले आएंगे और बस मेरे ना थोड़े से बर्तन रह गए। कुछ भी हो, किसी का भी बर्थडे हो, कोई फंक्शन हो, अपना बर्थडे हो, कुछ भी हो, ये बर्तन तो धोने ही धोने हैं, और वो भी मैंने। सुबह सही बर्तन धो लेते हैं और उसके बाद आगे हम क्या क्या करेंगे। कुक तो आज की मैं ही रहूंगी, अगर घर में खाना बनेगा तो, क्योंकि खाना तो मैं ही बनाऊंगी। बाहर से मंगाएंगे तो वो मुझे अभी कुछ नहीं पता है। सो देखते हैं आगे का प्लान कैसा होता है। सो मिलते हैं थोड़ी देर में। और यहाँ सोनी मैडम करने लगी है बर्थडे की तैयारी, बलून वगैरह फुलाने लगी, लेकिन सोनी बहुत परेशान है, सोनी को मजा नहीं आ रहा। सोनी कह रही है यार एक कोई बर्थडे होता है, मतलब जिसका बर्थडे है वो अभी तक आया नहीं है, शाम के बज गए 6:30 और वो अभी तक आया नहीं है, और हम बैठे हैं आराम से उसके नौकर बन के कि बलून फुला रहे हैं, कहीं पर डेकोरेशन कर रहे हैं, उसके लिए खाना बना रहे हैं, मतलब ये क्या बात है। और जिसका बर्थडे है वो हमारा फोन भी नहीं उठा रहा है, बताओ। ऐसा तो भाई है हमारा, कैसा बर्थडे है ये, मतलब समझ में नहीं आ रही बात। तो सोनी को तो दिया है मैंने काम सारा बलून वगैरह फुलाने का। मेरी बन रही है यहाँ चाय, खांसी भी हो रही है यार, और बर्तन अभी तक नहीं धुले हैं मेरे, क्योंकि मैं ना इतनी देर में कुछ और काम करने लग गई थी। और ये सुबह मैंने, मुझे लगा नाश्ते में आ जाएगा, नाश्ता बनाया मैंने, क्या बनाया था, फ्राइड इडली, तो नाश्ते में भी नहीं आया। दिन में मैंने दाल मखनी बनाई थी, चावल बनाए, इतना सारा चावल बचा हुआ है उसके लिए, तो चावल मतलब दिन में भी नहीं आया। खाना सारा सुबह का भी ऐसी है, दिन का भी ऐसी है, अब रात को ना सारा खाना उसी को खिलाऊंगी, सुबह और दिन का। कोई बर्थडे बर्थडे अपने आ रहा था, केक कटिंग करेंगे और सारा खाना वो ही खाएगा जितना बचा हुआ, सब बर्बाद। इतना बदतमीज है, नहीं बनाऊं तो परेशान करेगा, नहीं बनाया तूने, और बना दूं तो फिर उसका ऐसे रहता, आता ही नहीं है। तो अभी मैं बना रही हूँ फ्रेंच फ्राइज बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को लग गई है भूख, और मैंने सोचा कि थोड़ा सा फ्रेंच फ्राइज, मतलब ये पैकेट मंगा के रखा था घर पे, काफी दिन से रखा हुआ था, तो मैंने सोचा यही बना देती हूँ थोड़ा सा। हार्दिक ट्यूशन से आया और आज हार्दिक पूरा 3 घंटे पढ़ के आया, क्योंकि हार्दिक का कल टेस्ट है ईवीएस का, तो उसकी ना मतलब वही है कि तैयारी अच्छे से नहीं हुई थी, तो आज बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। बेचारा 3:30 बजे चला गया था, 6:30 बजे आया है, तो उसे भूख लग गई है, तो मैंने सोचा आप फ्रेंच फ्राइज खिला देती हूँ बच्चों को, और फिर उसके बाद हम करते रहेंगे अपना। चलो चलो करो, चलो बलून्स वगैरह लगाओ है। हाँ 3-3 लगा, कैसे लगाएगी, लेकिन इसमें ना चिपकाना मत, यहाँ इसमें मत चिपकाना, अरे ऐसे मत लगा सोनी, ऐसे लगा दे, इसमें चिपकाना नहीं है, इसमें तो चिपकेगा नहीं ना वॉलपेपर में, नहीं ऐसे करना, ऐसी जगह में लगा जहाँ पे कुछ है उसके सहारे से, जैसे वहाँ पे है ना वो उस पे, तो वहाँ पे लगा दे 3 ऐसे करके, ऐसे करना पड़ेगा यार, क्योंकि हम वॉलपेपर में तो लगा नहीं सकते। सारे नीचे कहाँ गिरा देंगे, अच्छे तो ना लग रहे हो नीचे गिरे हुए, 2-4 लगा देना ऊपर 3-3 का वो बना के,
जैसे देख एक यहाँ पे थी, यहाँ पे लगा दे ऊपर, वहां पे लगा दे, ऐसे ही लगा दे, धागा दे रही हूँ। छोटा सा टेप से लगा ले। तो अभी हम करने लगे हैं बर्थडे की तैयारी। सोनी बुला रही है बलून, और अब सोनी करेगी सारी तैयारी, क्योंकि भाई मुझे करना है खाने का अरेंजमेंट। तो आज बनेगा नॉनवेज, तो वो बनाना मुझे ही है। मैं बहुत ही और अभी बच गए हैं 7:30। बर्थडे बॉय अभी तक नहीं आता है। खाना देगा भाई, करण अच्छा बनाता है, देवी जी अच्छा बनाता है। वही तो, करण बेवकूफ अच्छा बनाता है, जो सुबह से हमको बना रहा है। लेकिन अभी सब इधर उधर लगा देगा। तो सोनी ने कराई है अपने बालों में। सोनी क्या क्या करा के लाई है? सोनी ने कराई अपने बालों में केराटिन तो नहीं करी थी, क्या कराई लाई थी? बोटॉक्स करा के लाई है। और सोना करेंगे इनका बोटॉक्स, और मैं कर रही हूँ इनका बंधना करेंगे इनका बोटॉक्स। अभी करना है ना, फूल लेके खड़े होंगे। अभी करण आएगा ना, तो आज हमने ऐसे शौक लगा लेके खड़े हो जाएंगे, तैयार हो जाते हैं। और हम लहंगा पहन के तैयार हो जाते हैं, और ये गिटार लेकर आ रहा हूं। और यहाँ हो रही है मटन की तैयारी, वन्ना दीदी बना रही है। यस, वन्ना दीदी बहुत अच्छा बनाती है। अब बहुत अच्छा बनाती है, और उसका अगर बेकार बन गया तो तुम्हें और बेकार बनाते करके। वन्ना दीदी बहुत अच्छा बनाती है, वो प्रमोद कहते हैं, नहीं प्रमोद कहते हैं ऐसे। वन्ना दीदी बहुत अच्छा बनाती है। और लहसुन मैंने भिगा रखे हैं, अभी लहसुन छिलने हैं। सोनी तो अंदर बैठ के लहसुन छिल, मैं बाकी काम करती हूँ, ठीक है? दे दे। तो अभी हो रही है खाना बनाने की तैयारी, तो मैं बना रही हूँ आज मटन। काफी लोगों को मटन देख के ऐसा होगा, बट कुछ लोगों को ऐसा होगा। सो मैं मटन बना रही हूँ, मटन बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने थोड़ा सा ये लहसुन भिगा दिए थे, अब मैं सोनी को दूंगी, सोनी ये लहसुन वगैरह सब छील देगी। बाकी मैंने अभी थोड़ा बर्तन धोए हैं, तो मैं किचन को करती हूँ क्लीन, उसके बाद ही खाना बन पाएगा। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। और अभी बर्थडे बॉय नहीं आया है, आप देख सकते हो टाइम 8:10 होने वाले हैं, अभी तक वो नहीं आया है। और सीरियसली यार, मतलब ऐसा बर्थडे नहीं देखा मैंने, मतलब यार हम इतनी बर्थडे की तैयारी कर रहे हैं। यार देखो पूरा डेकोरेट भी हो गया है, मैं आपको दिखाती हूँ। सोनी ने यार डेकोरेट कर दिया है, और सोनी इतना ही डेकोरेट करा है, बाकी कहाँ गया? अच्छा इधर लगा रखे हैं, थोड़े बलून इधर लगाए हैं। मेरे घर में ना थोड़ा सा रोशनी कम है, क्योंकि मेरे तो दो झूमर थे ना, तीन झूमर थे घर पे, तो तीनों खराब हो गए यार, एक साथ तीनों खराब हुए। अब इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है किचन में, तो मैं इसको यूज कर लेती हूँ, थोड़ा सा रोशनी हो जाती है। वरना यार किचन में भी पता नहीं क्यों इतना कम, मतलब पता नहीं क्यों आता। और जब इसमें लो ना वीडियो बनाओ, तो बहुत मतलब ना अजीब सा आता है, धुंधला धुंधला सा आता है। इसको यूज करके किचन में तो अच्छा सा उजाला हो जाता है। तो बस बाकी अभी करते हैं काम, क्योंकि 9 बजे तक अगर मैं बना लूंगी सब कुछ, तो फिर आराम से फ्री होकर बैठेंगे। और ये आए हमारे सबसे पहले गेस्ट, मतलब बर्थडे बॉय नहीं आया है, और जीजा जी पहले पहुंच गए हैं। जीजा जी प्रणाम। टाइम टू टाइम मैं दिखाती जा रही हूँ आपको कि टाइम कितना हो रहा है, टाइम टू टाइम।
तो अभी 9 बजने वाले बर्थडे बॉय नहीं पहुंचा है और उसके जो जीजा जी हैं, जो छोटे जीजा जी हैं, जो आने वाले ही नहीं थे, वो हमें सरप्राइज दे चुके हैं आकर, हमें पता ही नहीं था वो आ रहे हैं। और अभी मेरी चल रही है खाना बनाने की तैयारी। और अभी बज गए हैं रात के 9:30 और अभी तक करण नहीं आया है। हम लोग बैठे हैं, स्नैक्स आ गया है, मटन बन गया है, बस रोटी बनानी है और हम लोग खाली बैठे हुए हैं। सब तैयारी करी हुई है, सब तैयारी करके हम बैठे हुए हैं। हंसी भी आ रही है सोच सोच के, कोई किसी कमरे में बैठा है, कोई किसी कमरे में बैठा है, सुनसानी हो रही है बस। आप क्या पी रहे हो? ये कोल्ड ड्रिंक। इतनी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं क्या? गंदी बात होती है कोल्ड ड्रिंक पीना। और मामा कहाँ है आपका? मामा क्या ड्यूटी? अच्छा, और मामा का तो बर्थडे है ना आज? हाँ। तो कब आएगा मामा बताओ? मामा कब आएगा? एक बजे रात के, जब बर्थडे खत्म हो जाएगा मामा का। और ये सब मामा का वेट कर रहे हैं यहाँ बेचारे। बच्चे भी परेशान हो गए, कल स्कूल भी जाना है, कल हार्दिक का टेस्ट भी है, टाइम से सोना भी है और मामा को कोई पता ही नहीं है घर आने का। हाँ, और अभी पिज्जा भी आ गया, सोनी रेडी भी हो गई, लेकिन बर्थडे बॉय नहीं आया। वही तो मैं कह रही हूँ, पिज्जा आ गया, स्नैक्स आ गया, खाना बन गया, लेकिन बर्थडे बॉय नहीं आया, सोनी रेडी भी हो गई है। सोनी रेडी भी हो गई है। मैंने तो सुबह से बाल भी नहीं बनाए हैं, कपड़े तो पहने ही हैं। क्या करना है, जो बर्थडे वाला बर्थडे बॉय आ नहीं रहा, हमने करना रेडी होके। पता लग रहा रात के 12 बजे तक नहीं आया वो, पता लग रहा रात के 12 बजे तक नहीं आया वो और हम ऐसे ही बैठे रह गए रेडी होके, इसलिए मैं तो कोई रेडी वेडी नहीं हो रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा हम रेडी हो जाते हैं, और थोड़ा सा मैं हो गई हूँ मतलब रेडी, ज्यादा कुछ नहीं, एक बिंदी लगाई, थोड़ी सी लिपस्टिक लगाई है। और सोनी को यहाँ देखो, जैसे कि इसका बर्थडे होगा, ये रेडी हो रही है। लड़का आया नहीं है बर्थडे वाला, और बर्थडे बॉय अभी आया नहीं है, और ये हो गई है रेडी। तो अभी हम सोच रहे हैं थोड़ा बहुत रेडी शेडी हो जाते हैं, अच्छा। बाकी देखा जाएगा। अच्छा। तो हम लगा लेते हैं थोड़ा सा लिपस्टिक से ही लगाऊंगी मैं ब्लशर। और मैं लिपस्टिक से ब्लशर इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि इस जो मेकअप है इसका कोई पता नहीं है कि ये कितनी देर तक हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि हमें रात के 12 भी बज जाए बर्थडे बॉय का वेट करते करते। तो भी हम अपने महंगे प्रोडक्ट यूज ना नहीं करना चाहते हैं, वो बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए हम सस्ते प्रोडक्ट यूज करेंगे। सस्ता और टिकाऊ। हाँ, सस्ता और टिकाऊ। और अभी 1-2 घंटे तक अगर ये टिक गया तो ठीक है, नहीं भी टिकेगा तो कोई बात नहीं। अच्छी लग रही हूँ, मुझे कुछ पहनने की एक्स्ट्रा जरूरत है नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। सोनी को जरूरत है क्योंकि सोनी उतनी ज्यादा अच्छी लगती नहीं है, तो सोनी ने मेकअप भी थोड़ा सा ज्यादा कर लिया है और ड्रेस भी पहन ली है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ऐसी रहूँ। इसकी मुंडी ऐसी रहती है। हाँ, क्या करना तूने इसकी मुंडी ठीक करके? पहले अपनी मुंडी ठीक कर ले तू। सोनी का चल रहा है फोटो सेशन और इतना ज्यादा मेकअप करके, और मैं सोच रही हूँ कि हमारी तो नेचुरल ब्यूटी है तो हमें तो कुछ करने की जरूरत है नहीं, जैसे हैं वैसे अच्छे हैं। क्यों सोनी, ठीक है ना? नेचुरल ब्यूटी वालों को ना कोई चीज करने की जरूरत नहीं होती है। और अभी करण आ गया है और हम जोर के चिल्लाने वाले हैं हैप्पी बर्थडे, और रात के बज गए हैं 10 और सोनी लगा रही गाना। सौदा हमारा सौदा।
फ्रेंड्स, इस तरह से मनाया हमने अपने भाई का बर्थडे और लास्ट में सबको खाना वगैरह देने के बाद मैंने भी खाना खाया और फिर बहुत लेट हो गया था तो हम सो गए। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।